हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक एक्शन कैमरा के ऊपर, जो कि है नॉइस का प्ले व्लॉग एडिशन, और वो आता है एक एक्सटर्नल माइक के साथ। तो ये वीडियो में इसे कैसे यूज़ करना है, इसके क्या क्या फीचर्स है और इसका प्राइस क्या है, इसको किधर से ख़रीदने का है, सब कुछ ये वीडियो में बताऊँगा। और ये कैमरा मैंने 2 महीने पहले ख़रीदा था, तो इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दूंगा, मुझे इसके कौन से फीचर्स अच्छे लगे और कौन से फीचर्स अच्छे नहीं लगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फील्ड व्यू है वो है 170 डिग्री विद वाइड एंगल लेंस। नेक्स्ट है डिस्प्ले, तो ये आता है 2 कलर LCD के साथ। नेक्स्ट है बैटरी कैपेसिटी, तो बैटरी कैपेसिटी है 1050 mAh की। नेक्स्ट है मेमोरी सपोर्ट, तो ये क्लास 10 microSD कार्ड अप टू 64 GB तक का करता है। नेक्स्ट है वाटरप्रूफ, तो 30 meters विथ हाउसिंग है। वीडियो रेजोल्यूशन, तो ये वीडियो 4K में भी रिकॉर्ड करता है, 1080p में भी रिकॉर्ड करता है और 720p में भी रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है ऑडियो इनपुट, तो ये इंटरनल माइक्रोफोन पहले से आता है, प्लस एक्सटर्नल माइक्रोफोन सपोर्ट भी आता है। नेक्स्ट है ऑडियो आउटपुट, तो स्पीकर्स तो पहले से ही बिल्ट इन है। नेक्स्ट है जो कि है लास्ट, वो है इमेज स्टेबिलाइजेशन, तो इसमें इमेज स्टेबिलाइजेशन पहले से आता है। तो गाइस, इसको मैंने वैसे ही पैक कर दिया है जैसे मैंने इसको रिसीव किया था, ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूं कि हमें ये बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो कैमरा निकालने के लिए आपको पहले ये स्क्रू लूज करना होगा। तो ये है कैमरा, तो हम कैमरा पे बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले तो हमें एक थैंक यू नोट मिलता है नॉइस के तरफ से। एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है, एक केस मिलता है हमें जिसे हम एक्सटर्नल माइक के साथ लगा सकते हैं, एक्सटर्नल माइक हाउसिंग के साथ यूज नहीं होता। एक हैंडल माउंट मिलता है हमें, एक क्लोथ मिलता है, चेन माउंट, USB केबल चार्जिंग के लिए, चिन माउंट करने के लिए गम, और कुछ स्ट्रैप्स मिलते हैं हमें। और कुछ एक्स्ट्रा क्लिप्स मिलते हैं हमें। तो अब बात करते हैं कैमरा के ऊपर। तो कैमरा निकालना बहुत ज्यादा इजी है। ये इसका हाउसिंग है जो कि है वाटरप्रूफ, तो ये मैंने टेस्ट किया है बारिश में, तो पानी बिल्कुल अंदर जाता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कैमरा में हमें मिलते हैं टोटल 4 ही बटन, बट ये 4 बटन बहुत सारे ऑप्शंस लाते हैं कैमरा की स्क्रीन पे। तो कैमरा के लेफ्ट साइड में हमें मिलता है USB चार्जिंग पोर्ट, microSD पोर्ट और एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के लिए स्लॉट मिलता है। तो कैमरा स्टार्ट करने के लिए हमें ये M वाला बटन प्रेस करके रखना होगा। तो ये स्टार्ट हो गया है कैमरा। तो मैं आपको ये बटन्स के फीचर्स बता देता हूँ, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये बटन है कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए और रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। ओके बटन्स जो फीचर्स है कैमरा और इमेज मोड में स्विच करने के लिए, तो ये बटन यूज़ होता है। और ये जो बटन से राइट साइड में 2, वो ऊपर वाला यूज़ होता है वाईफाई ऑन करने के लिए। हाँ, क्योंकि नॉइस प्ले व्लॉग का एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखाता है अगर आपका एंगल
एक्यूरेट नहीं है तो आप वो देख के आपका एंगल ठीक कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है एक मोटो ब्लॉगर के लिए। तो अभी ये है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे, तो आप एक और बार इसे प्रेस करेंगे एम बटन को तो ये इमेज मोड पे चला जाएगा, और अगर एक और बार आप प्रेस करोगे तो आपको ये गैलरी में लेके जाएगा, और फिर से अगर एक और बार आप प्रेस करोगे तो आपको ये सेटिंग्स में लेके आएगा। तो अभी ये वीडियो सेटिंग्स पे है, और अगर आपको नीचे जाना है तो आपको ये दो बटन का यूज़ करना होगा। अगर आपको इमेज मोड पे जाना होगा तो आपको एम बटन फिर से प्रेस करना होगा, तो आपको ये फोटो सेटिंग्स में लेके जाएगा। और अगर आपको नीचे कुछ सेटिंग्स चेंज करना है तो आपको ये दो बटन फिर से यूज़ करना होगा, और एम बटन आप प्रेस करते रहोगे तो आपको नेक्स्ट जो जो इसके सेटिंग्स ऑप्शन है आपको उधर लेके जाएगा। तो कैमरा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब बात करते हैं हम इसके एक्सटर्नल माइक की क्वालिटी की। तो मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा इसका एक्सटर्नल माइक कैसा काम करता है। तो गाइस अभी आप जो क्लिप देख रहे हो वो ये कैमरा के एक्सटर्नल माइक के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हेलमेट का वाइजर अभी बंद है तो आपको कुछ इस तरह का ऑडियो आता रहेगा मेरा। तो मैं भी मेरा हेलमेट का वाइजर खोल देता हूँ तो आप वैसे भी देख सकोगे कि हेलमेट का वाइजर खोल देते तो आवाज़ कैसा रिकॉर्ड होता है। तो अभी मैंने मेरा हेलमेट का वाइजर खोल दिया है तो आपको कुछ इस तरह का ऑडियो आता रहेगा। जब हेलमेट, अभी मैंने वाइजर बंद किया मेरा, जब वाइजर आप खोल देते हैं तो शायद ये एक्स्ट्रा साउंड भी कैच करता है, जैसे हवा का आवाज़ कुछ ज़्यादा ही कैच करता है ये। तो गाइस अभी आपने जो क्लिप देखा और आपको ऐसा लगा होगा कि इसका एक्सटर्नल माइक अच्छा काम नहीं कर रहा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है ऑडियो में, तो ऐसा नहीं है, ये मेरे हेलमेट के अटैचमेंट में इशू है इसीलिए वो विंड का आवाज़ और ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा था। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये है 6,000 रुपीज़ का कैमरा। तो आप इसे किधर से परचेस कर सकते हो, तो आप इसे अमेजोन से ख़रीद सकते हो या तो फ्लिपकार्ट पे से या तो नॉइस के ऑफिशियल वेबसाइट से, बट जब मुझे लेना था तब ये अवेलेबल नहीं था तो मैंने एक मुंबई के लोकल स्टोर से ख़रीदा। तो स्टोर का नाम है रिलायबल फोटो स्टोर। तो अगर आपको भी कुछ एक्सेसरीज ख़रीदने का है कैमरा के रिलेटेड या यही कैमरा परचेस करना है तो आप उनकी वेबसाइट पे या तो इंस्टाग्राम पेज पे जाके परचेस कर सकते हो, या कुछ भी आपको इंक्वायरी करना है तो आप कर सकते हो। तो उनके वेबसाइट और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच रिलायबल फोटो स्टोर ये कैमरा अवेलेबल करने के लिए। तो गाइस बात करते हैं मेरे रिव्यू की। तो ये कैमरा मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसके सारे फीचर्स अच्छे हैं, बस इसकी बैटरी लाइफ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर मुझे कोई एक्सटर्नल बैटरी मिलती है तो मैं आगे के वीडियो में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।